जाएगा। सो हम लोग समझे, एग्जांपल मैंने दिया कि द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग वांट, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। हाँ बोलो। हेलो, किसने कुछ बोला? कोई नहीं, आगे बढ़ते चलो। ठीक है, सो समझ में आया होगा, पानी पिया खत्म थ्रस्ट, तो पावर में, पानी में पावर था उस थ्रस्ट को खत्म करने का। वैसे हर कम्युनिटी में क्या होता है, कोई ना कोई पावर जरूर होता है उस किसी भी वांट को खत्म करने का, पहला चीज यहाँ पर। सेकंड चीज, हमारे लिए कभी किसी में यूटिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान देना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पेट भरा हुआ है और तुम्हें कोई ब्रेड दे, क्या तुम्हारे ब्रेड अभी काम में आएगा? नहीं ना, क्यों? तुम्हें वांट ही नहीं है। सेकंड, वही कोई भूखा आदमी है, सेम टाइम ध्यान देना, कोई भूखा आदमी है उसे ब्रेड दू, उसके वो काम आएगा। तो जब तक वांट ना हो, कोई भी सामान में यूटिलिटी हमें नहीं मिलता है। जब हमारे पास वांट है तो उसी वांट के अगेंस्ट किसी भी कम्युनिटी में या फिर उस कम्युनिटी में क्या होता है, यूटिलिटी। सो इट इज अ वांट विच नीड्स यूटिलिटी टू बी सेटिस्फाइड। ठीक है, आगे पढ़ूंगा। द एक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और हम लोग कंजम्पशन में ध्यान देने में ही कहा था कि हम लोग इसी यूटिलिटी को ड्राइव करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, मुझे भूख लगा है, मैं ब्रेड खा रहा हूँ। जब तक मैं ब्रेड खा रहा हूँ, मतलब मैं उस ब्रेड से क्या निकाल रहा हूँ, यूटिलिटी, जो मेरे पावर को, जो मेरे वांट को खत्म कर रहा है। मुझे पानी प्यास लगा है, मैं पानी पीते जा रहा हूँ, तो पीने के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, सेम यूटिलिटी ड्राइव कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, जो मेरे वांट को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने बैकग्राउंड से जरा जो बाकी लोग है ना, वो जरा अपने आप को म्यूट कर ले, थोड़ा सा साउंड आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। The act of consumption of goods and services is able to satisfy our wants because goods and services possess utility. ध्यान देना, ऐसा कभी नहीं होगा कि यूटिलिटी तुम्हारा क्या है किसी भी कमोडिटी में नहीं होगा, बस डिपेंड करता है कि हमें उस मोमेंट पे उसका वांट है कि नहीं है। अगर पेट भरा है तो ब्रेड में हमारे लिए यूटिलिटी अभी नहीं है, अगर पेट खाली है तो उस ब्रेड में हमारे लिए यूटिलिटी है। लेकिन चीजों में ध्यान देना, सब में यूटिलिटी होता है, बस अभी इस मोमेंट पे हमारे लिए उसमें नहीं है। सो गुड्स एंड सर्विसेज विल बी परचेस्ड फॉर कंजम्पशन ओनली इफ दे पॉसेस यूटिलिटी। क्या तुम्हारा पेट भरा हो तुम फिर दोबारा करोगे? नहीं। क्यों? क्यों पता है, परचेस करने के बाद उसमें मुझको यूटिलिटी अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जब तुम्हारा पेट खाली होगा तब तुम परचेस करोगे। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई वांट है और किसी कमोडिटी में उसको सेटिस्फाई करने के पावर है, तभी एक कंज्यूमर उस चीज को परचेस करता है। तो बेसिक हम लोग आइडिया भी ले रहे हैं, डेफिनेशन में आया भी नहीं अभी तक। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ध्यान देना, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर हमारे है। ठीक है, अभी तो नहीं है, मैं भी आगे जाके है, तो वहां पे डेफिनेशन पढ़ता हूं। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसको मैं और सही तरीके से बोलूं, द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग वांट of a commodity is known as utility. मतलब commodity का power जो क्या कर दे, तुम्हारे want को satisfy कर दे। ठीक है, तुम क्या बोलेंगे उसमें, utility है। तो इसके चीज लिए ना एक थोड़ा सा एक extra ज्ञान देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आसान होगा। books में लिखते नहीं है, पता नहीं क्यों लिखते हैं। सोचो अगर तुम्हें प्यास लगा हो, मैं तुम्हें ब्रेड दे रहा हूँ, ठीक है, तो प्यास में क्या चाहिए, पानी, लेकिन मैं क्या दे रहा हूँ, ब्रेड। तो पानी और ब्रेड दोनों ही क्या है, कमोडिटी है। लेकिन इस मोमेंट में जो मेरा वांट है उसको सेटिस्फाई करने का जो मुझे कमोडिटी चाहिए, वो ब्रेड नहीं है, क्या है, वाटर है। ध्यान देना, समझ में आ रहा है? तो जिस चीज का वांट हो, हम उसी वांट में, उसी वांट को सेटिस्फाई करने जो मेरा पावर होता है इस प्रोडक्ट कमोडिटी में, हम लोग उसी को यूज करते हैं। तो थर्स्ट को सेटिस्फाई करने का पावर ब्रेड में नहीं है, ठीक है, थर्स्ट को सेटिस्फाई करने का पावर सिर्फ वाटर में या लिक्विड्स में ही तुम्हारे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑफ अ कमोडिटी। जब मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवाऊंगा, मैं इसको मोर लॉजिकल पॉइंट और बना दूंगा इस डेफिनेशन को, ठीक है। यहाँ बोला ऑफ अ कमोडिटी ना, इसका मतलब मुझे प्यास लगा है तो मुझे ब्रेड दे दो, काम हो जाएगा? नहीं। उस ब्रेड का पावर जो है, जो उसमें यूटिलिटी है, वो मेरे वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। समझा? तो हर एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग मेरे क्या होते हैं, कमोडिटी। हर एक कमोडिटी हर एक वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स,
according to Professor Hebden, utility is the ability of a good to satisfy a want. In objective terms, utility may be defined as the amount of satisfaction derived from a good or service at a particular point of time. तो हम लोग बस definition one को लेके चलेंगे ऊपर वाला. That is, utility refers to the want satisfying power of a commodity. आगे का हम बहुत definition था incomplete है, लेकिन हम लोग बस एक लेके चलेंगे. समझ आओ बेसिक तुम लोग थोड़ा थोड़ा. आगे बढ़ते हैं. The utility of an apple is the satisfaction obtained from consuming it at a particular moment of time. ये particular moment of time उसी के बारे में बता रहा है. जब तुम्हें उसका want हो तब भी मुझे उससे क्या मिलेगा, यूटिलिटी. मानो अभी भी मैंने पानी पी के अपना प्यास को मिटा लिया है, 10 मिनट के बाद मुझे पानी दे, तो क्या वो पानी पर्टिकुलर टाइम है? नहीं है. लेकिन 2 घंटे बाद जब मुझे फिर से प्यास लगेगा, तब वो पर्टिकुलर टाइम मेरा है जब मैं कंज्यूम करूंगा और मेरा वॉन्ट सेटिस्फाई होगा. इसलिए वहां पर लिखा है पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, यानी कि जब तुम्हारा वॉन्ट अराइज हो, जब तुम्हारा वॉन्ट लाइव हो, ठीक है, तब वो हम लोग कंजम्पशन करते हैं. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. यूटिलिटी इज अ प्रॉपर्टी और क्वालिटी कॉमन टू ऑल कमोडिटीज वांटेड बाय अ पर्सन. अगर मुझे प्यास लगे तो मैं ब्रेड मांगूंगा? नहीं, मैं वाटर ही मांगूंगा. मुझे भूख लगे तो मैं क्या मांगूंगा? फूड मांगूंगा, ना कि वाटर मांगूंगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड हैज द पावर टू सेटिस्फाई हंगर नॉट थर्स्ट. बुक्स फुलफिल आवर डिजायर for knowledge. A TV satisfies a desire for entertainment. अब तुम ध्यान दें यहाँ पे एक चीज क्या, मेरे want अलग अलग है ना. bread वाले केस में hunger और मेरा knowledge वाले केस में book और entertainment वाले केस में क्या TV. क्या मैं hunger वाले केस में TV use कर रहा हूँ? नहीं. क्यों? मुझे पता है कि hunger वाले को satisfy करने के लिए जो power चाहिए वो TV में नहीं है. same जो books को जो knowledge का जो मेरा want है उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या मुझे ब्रेड चाहिए? नहीं, बिकॉज उसमें पावर नहीं है. तो जो पावर है हम उसी कमोडिटी को उस पर्टिकुलर मोमेंट में यूज करते हैं जब उसका वांट हो, ना वांट से पहले ना वांट के बाद. सो ऑल द गुड्स विच पीपल वांट टू अक्वायर फॉर दिस यूटिलिटी, इफ दैट कमोडिटी हैज नॉट डज नॉट हैव यूटिलिटी देन वी डोंट वांट टू पजेस. ठीक है. दो यहाँ पे चीज मिलेंगे आगे जाके, यूजफुलनेस और यूटिलिटी. ठीक है, जब आएगा तो मैं डिस्कस वहां पे करूंगा दोनों में डिफरेंस या सिमिलरिटी क्या है. आगे बढ़ते फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. पहला हमारा फीचर क्या है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. मतलब वांट कैसा है, वांट कब है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम कमोडिटी में यूटिलिटी है कि नहीं है. यूटिलिटी इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, वो वांट पे मैटर करता है. वांट अगर होगा तभी मुझे किसी यूटिलिटी मुझे मिलेगा, वरना मुझे नहीं मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. So utility is subjective, that is, it cannot be observed and identified, depends upon the individual's own subjective estimate of the amount of satisfaction he is likely to get from a good or service. यहाँ मुझे क्या बोल रहा है कि for example जो मुझे मिल रहा है utility वो subjective है, हम उसको define नहीं कर सकते, या वो अलग अलग persons के लिए क्या अलग अलग हो सकती है, अलग अलग goods के लिए अलग अलग हो सकती है, अलग अलग वॉन्ट के लिए अलग अलग हो सकती है. ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा. इट रिसाइड्स इन माइंड ऑफ पीपल, द कंज्यूमर नोस इट बाय इंट्रोस्पेक्शन. उसको यूज करने के बाद या अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता सकता है कि मेरे वॉन्ट को सेटिस्फाई करने का पावर कमोडिटी ए में है या कमोडिटी बी में है. फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा किस में है. नंबर टू में आते हैं, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल. पता ही है मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, we can't touch, we can't see, we can only feel. मैंने एक ग्लास पानी पिया, कितना अमाउंट थर्स्ट मेरा कम हुआ मैं कभी मेजर नहीं कर सकता हूँ. अगेन, since reality is subjective, depends upon the person who consumes it, it cannot be measured in objective terms, it cannot be given any value, it cannot be quantified and cannot be measured by any measuring rod. For example, मैंने एक पिज्जा खाया, एक पिज्जा खा के मेरा कितना हंगर मिटा कभी नहीं कर सकते मेजर. ठीक है, बस हम लोग लगा सकते हैं अंदाजा कि हाँ पेट भरा, आधा भरा, थोड़ा सा रह गया, लेकिन कभी हम मेजर नहीं कर सकते. हाउएवर, सम इकोनॉमिस्ट्स मेंटेन दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड.
मैंने कहा आपका चैप्टर इसके ऊपर पूरा है, वहां तुम पढ़ोगे कार्डिनल कॉन्सेप्ट एंड ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। कुछ इकोनॉमिक्स सोचते हैं या सोचते थे कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3, 10 units। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा यूनिट, यूटिल्स बोलते हैं। क्या यूटिल्स? यूटिल्स इज अ यूनिट यूज्ड फॉर यूटिलिटी अंडर कार्डिनल कॉन्सेप्ट, जहाँ के थॉट्स वाले इकोनॉमिक्स ये मानते थे कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबरों में, और यूनिट्स में क्या रहेगा? यूटिल्स। लेकिन तुम्हारा एक स्कूल या एक थॉट और भी थे, एक सेगमेंट और भी था इकोनॉमिक्स का, वो कहते थे कि नहीं इसको कैसे मेजर कर सकते हैं जब देख, या इसको हम लोग टच ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने बोला कि भले ही ऐसे हम मेजर तो नहीं कर सकते, नंबरिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फॉर एनालिसिस के लिए इसे हम रैंक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर मैंने 4 पिज्जा खाया तो 10 मिला फॉर एग्जाम्पल, या मुझे कुछ मिला। ठीक है, 3 पिज्जा मैंने खाया तो मुझे कुछ कम मिला, तो रैंक भले कर सकते हैं ग्रेटर एंड लोअर, बट वी कैनॉट मेजर। तो मार्शल जो थे वो कहते थे कि हम लोग मेजर कर सकते हैं, यानी कि मार्शल ने दिया था कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मार्शल द अमाउंट ऑफ मनी एन इंडिविजुअल इज प्रिपेयर टू पे फॉर अ यूनिट ऑफ कमोडिटी कैन बी टेकन एज द मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, आगे आते हैं। नंबर 3, यूटिलिटी इज रिलेटिव। यूटिलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव इन द व्यू ऑफ सब्जेक्टिव नेचर। इट इज रिलेटिव टू द नीड्स ऑफ अ पर्सन। अगर अभी मुझे नीड है तो मतलब मैं यूटिलिटी ड्राइव कर सकता हूँ, अगर मुझे नीड ही नहीं है तो मेरे लिए क्या उस कमोडिटी में यूटिलिटी नहीं रहेगा। ठीक है, देयरफॉर इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मोर ओवर यूटिलिटी ऑफ अ थिंग टू अ पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज इंटेंसिटी of desire for a commodity. The greater the need, the greater is the utility. अगर तुम एक ब्रेड किसी बच्चे को दोगे जिसने अभी नाश्ता खत्म किया, तो बच्चा थोड़ा खा के खत्म फेंक देगा, क्यों? उसको लगा कि उसमें यूटिलिटी ही नहीं है, उसका यूज ही नहीं है उसके लिए अभी के लिए। लेकिन तुम सेम मोमेंट पे वही ब्रेड किसी बहुत भूखे आदमी को दो, उसके लिए उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब उसमें उसके लिए क्या है, उसमें यूटिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू पर्सन। इसलिए पर्सन टू पर्सन, नीड टू नीड, मूवमेंट टू मूवमेंट डिफर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ा, फर्दर मोर यूटिलिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो मैंने बोला, टाइम टू टाइम जो मैंने बोला, एंड सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ चपाती और प्लेट ऑफ राइस गिव्स मोर यूटिलिटी टू अ पर्सन वेन ही इज हंग्री एज कंपेयर टू सिचुएशन वेन हिज बेली इज फुल। सिमिलरली woolen clothes give more utility in cold place than in hot place. ठीक है, ध्यान देना, चीजों में utility होती है, कभी वो खत्म नहीं होती है, बस depend करता है कि हमारा need अभी है कि नहीं है। ठीक है, अब मुझे number 4 मिल रहा है, utility is different. number 4 हमारा है, just wait, किसने लगा दिया? Wait, चलो अब मैंने इसको म्यूट कर दिया थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, सो नंबर 4 हमारे पास है, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। ध्यान देना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सामानों को यूज कर रहे हैं, सामान हमारे काम में आ रहा है, उसको यूज कर अपना वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस में हमारा होता है वर्ड यूजफुलनेस, कभी ब्रेड में ले क्या यूजफुल है, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोग इन दो वर्ड्स को अलग अलग लेके चलते हैं, यूजफुलनेस और यूटिलिटी को हम पढ़ते हैं पहले यहाँ पर। सो यूटिलिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ यूजफुलनेस, द टू आर डिफरेंट। अ कमोडिटी मे पोजेस यूटिलिटी इवन दो इट मे नॉट बी यूजफुल, ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते, फॉर एग्जाम्पल, लीकर मे हैव हार्मफुल इफेक्ट्स बट इवन देन लीकर हैज यूटिलिटी सो लॉन्ग एज इट सेटिस्फाइज द वांट ऑफ अ ड्रिंकर। लेकिन सिर्फ दो आदमी है, जो अलग दो अलग अलग आदमी है, एक ड्रिंकर है जो ड्रिंक करता है, एक नॉन ड्रिंकर है, ड्रिंक एकदम नहीं करता, और एक ही आइटम है अल्कोहल। तो एक मोमेंट पे एक ही चीज का यूटिलिटी है किसी एक पर्सन के लिए और किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर उसमें यूटिलिटी होता ही नहीं, दोनों के लिए नहीं होता, लेकिन एक के लिए है, एक के लिए नहीं है। क्यों? डिपेंड करता है कि कौन सा यूज करने वाला है। आगे बढ़ते हैं,
In other words, a harmful good may also have utility, same as liquor. Thus, utility of a commodity has nothing to do with its usefulness. It may or may not be useful, jaan dena, theek hai? But it will have utility for a person. मतलब अगर मैं शॉर्ट में तो मैं कहूँ, a commodity may be useful or may not be usefulness, but a commodity always possesses utility. चाहे तुम्हारे काम नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन उसमें यूटिलिटी है, कोई और जरूर यूज करेगा. मैं तुम्हें और एग्जांपल दूँ, घर के कबाड़ हम बेचते हैं, कबाड़ बेचते हैं बिकॉज उसमें अभी हमारे लिए अब कुछ रहा ही नहीं, लेकिन कोई उसे खरीद कर लेके जाता है, क्यों, उसके लिए उसमें क्या यूटिलिटी है. ध्यान देना, कभी भी किसी कमोडिटी में यूटिलिटी जीरो नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी बाकी जरूर रहेगा, भाई तुम्हारे से भले किसी और, लेकिन यूजफुलनेस जीरो हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. No moral or legal connotations. Utility has no ethical or legal connotations. Utility has no ethical or moral implications. It is neutral between good and bad, between useful and harmful. A commodity may be considered immoral for some people, but can be considered moral for one people. ठीक है, लिखे वाला example था कि ड्रिंकर्स लोग के लिए क्या उसमें थे तुम्हारे यूटिलिटी था, लेकिन नॉन के लिए था उसमें नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग एग्स मे बी अ रिलीजियस टैबू फॉर सम पर्सन्स, बट इफ अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन ईट्स एन एग, इट सेटिस्फाइड्स हिज हंगर. तुम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि उसकी यूटिलिटी तुम्हारे लिए जीरो है. भले हो, अगर मानो मैं अगर वेजिटेरियन हूँ तो मैं एग नहीं खाता, इसका मतलब क्या, उसमें यूटिलिटी है, लेकिन क्योंकि मैं उसे यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे यूज नहीं करूंगा, इसलिए मेरे लिए उसमें नहीं है. समझ में आ रहा, थोड़ा हल्का सा कन्फ्यूजन होगा, नो डाउट, कॉमन चीज है वो चीज. पोजिशन ऑफ अ गन बाय डकैत, या फिर जो क्या उसको बोलते, डकैत मे बी इलीगल बट इट हैज यूटिलिटी फॉर हिम. आगे बढ़ते, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा फॉर श्योर. आगे बढ़ते हैं. यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट मेजर, बट वी कैन फील. हाँ, खाने से कुछ हुआ मेरे बॉडी के अंदर, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वी कैनॉट से, वी कैनॉट मेजर. सो यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस दैट इट कैनॉट बी सीन और टच्ड. बगैर नॉर्मल चीजें फीचर्स से हमारी, अपने कहा ना कि इस पर कुछ चैप्टर है, तो चैप्टर कुछ कुछ अभी एक्स्ट्रैक्ट या चीजें स्मॉल स्मॉल यहाँ पे दे दी गई है. पहला मेरा है टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी. तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, उसके बाद मैं एंटर करूंगा इन डेफिनेशन पे. ठीक है, सोचो कि हम लोग अगर नंबर, एक बार सोचते हैं कि नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग अभी कार्डिनल लेके चल रहे. तो पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा समझना मुश्किल है, मैं सबको बोल दे रहा हूँ, पहला चीज है थोड़ा सा समझना मुश्किल है, इसको प्रैक्टिकल तो जाके समझना, स्ट्रेच करूंगा थोड़ा सा इस चीज पे. सोचो तो बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है, तुम गए डोमिनोज, बन के पिज्जा आया, तो भूख, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकल चीजें लेके चलना, समझ में अच्छे से आएगा, कोई यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस में नहीं जाएंगे, तब समझ में आएगा कि टोटल और मार्शल का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो बहुत जोरों का भूख लगा हुआ है, पिज्जा बन के आया, तुम वेट करो, तुम पहला बाइट लो, ध्यान देना, पहला बाइट लो, तुम्हें फीलिंग आएगा कि तुम्हारे मुंह में कुछ गया, तुमने खाया, पेट में गया, तुम सेकेंड बाइट लो, मुझे बताओ कि क्या ऐसा कुछ डिफरेंस में फील होगा पहले बाइट में और सेकेंड बाइट में? फॉरश्योर होगा. ठीक है, चलो ठीक है, अब तुम थर्ड बाइट लो, अब तुम्हें समझ में आएगा कि फर्स्ट सेकेंड बाइट्स के बाद जो थर्ड बाइट मैंने लिया, उसमें एक्साइटमेंट या उसको खाने का जो मजा था वो फर्स्ट और सेकेंड से कम था. फॉरश्योर, ये फैक्ट चीज है. तुम तब फोर्थ बाइट ले लो, अब तुम्हें लगेगा कि अब मजा और कम आ रहा है. तुम फिफ्थ बाइट लो, अब लगेगा नॉर्मल चीज है. ठीक है, तुम जब फिफ्थ बाइट को कंपेयर करोगे फर्स्ट बाइट से, तो तुम्हें क्या लगेगा, फर्स्ट बाइट खाते बहुत ही ज्यादा मुझे मजा आया था, सेकेंड में हल्का कम, थर्ड में हल्का कम, ऐसे करते करते क्या धीरे कम 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 होता चला गया, और जब पूरे पिज्जा के लास्ट बाइट आया, तुमने जो खाया वो तुम्हें लग गया नॉर्मल था, अब पेट भर गया, काम खत्म, वो होता तो ना था तो कोई भी फायदा नहीं पड़ता. अगर तुम तो प्रैक्टिकल फील कर पाओगे ना बस मेरी बातों से, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा टोटल और मार्जिनल के बारे में. जब भी हमारा वांट है, जब हम पहला बार जब कंजम्पशन करते हैं,
कंजम्पशन लोग एक बार पूरा पिज्जा नहीं खा लेते हैं बड़का मुंह में डाल के, हम लोग धीरे धीरे कंज्यूम करते हैं पार्ट बाई पार्ट। तो जब भी हम लोग किसी कम्प्यूटर कंज्यूमशन करते हैं तो उनको हम लोग पहला फैक्ट समझना, अभी समझ लो, हम उसको यूनिट्स में कंज्यूम करते हैं, पहला बाइट, सेकेंड बाइट, थर्ड बाइट, या अगर मैं इसको और सिंपल वे में कहूँ, पहला स्लाइस खाते हैं, फिर सेकेंड स्लाइस, फिर थर्ड, और फिर लास्ट में फोर्थ स्लाइस हम कंज्यूम करते हैं। क्या हम किसी भी कंजम्पशन को एक बार खाते हैं या पूरा पिज्जा? कभी नहीं। तो इकोनॉमिक्स में इसी चीज को लेकर समझा गया है कि जब भी हम किसी चीज को कंजम्पशन करते हैं वो कंजम्पशन मेरा क्या होता है, यूनिट्स मेरा होता है, यूनिट्स में मेरा होता है। हम किसी भी चीज को कंजम्पशन एक बार नहीं खाते हैं, पूरा पेप्सी का बॉटल एक बार में घटक नहीं जाते हैं, पहले एक घुट, फिर अगला घुट, फिर अगला घुट। तूने इसी को समझा कि कंजम्पशन करते हुए जो पहला जो यूनिट कंजम्पशन करते हैं ना, सबसे हाईएस्ट पावर उसमें होता है कंपैरेटिवली बाकी लोगों, बाकी यूनिट्स में मेरा। फॉर एग्जांपल पिज्जा या पानी समझ लो, चलो तुम बहुत ज्यादा पानी प्यास लगा, तुमने बॉटल खोला, तुमने पहले एक घुट पिया, जो तुम्हें मजा आएगा, जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा पहले घुट से, एकदम फर्स्ट वाले घुट से, फिर तुम सेकेंड घुट पीना, हल्का तुम्हें कम मजा आएगा, तुम्हें कम मिलेगा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर थर्ड पीना, फोर्थ करते करते ऐसा मोमेंट आएगा जब तुम पियोगे तुम्हें मजा कुछ मिलेगा ही तुम्हें नहीं, उसको बोलते हैं जीरो, बोलते हैं जीरो, अब एंड आ गया वो चीज, क्या मेरा वांट फुली सेटिस्फाई हो गया है। समझ में आएगा, क्योंकि तुम लोग दूर बैठे हो तो मैं तुम लोगों का एक्सप्रेशन देख नहीं पा रहा कि आया कि नहीं आया समझ में, ट्राई करो समझाने का, इनके डाउट अगर होगा ना तो क्लास में कल मैं पूछ लूंगा तुम लोग से, या फिर कल परसों पूछ लूंगा। तो पहला यहाँ पे समझना कि हम लोग कंजम्पशन क्या करते हैं, यूनिट्स में कंजम्पशन करते हैं, पहला फैक्ट। सेकेंड, जो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं सबसे हाईएस्ट यूटिलिटी उस यूनिट में ही होता है, फिर सेकेंड वाले में उससे कम, थर्ड वाले में उससे कम, फोर्थ वाले में उससे कम, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल दूं, चलो मैंने बोला ना कि हम लोग अभी एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। तो मानो पहले पिज्जा के चार स्लाइस, ध्यान देना पिज्जा के चार स्लाइस है, तो बहुत जो भूख लगी हुई है, तो मुझे पहला स्लाइस खाया, तो मान लो उसमें 10 तुम्हें मिला, 10 यूटिल्स मिला उस पहले स्लाइस से, ठीक है। जब तुम सेकंड खाए तो फैक्ट है ना, पहले वैसे कि तुम्हें कुछ कम ही मिलेगा, तो मान तुम्हें पहले वैसे कुछ कम यानी कि तुम्हें 8 मिला सेकंड वाले से कंज्यूम करने के बाद। अब थर्ड खाते हैं, फिर से वही फैक्ट है कि सेकंड वैसे कुछ कम ही मिलेगा, इस बार मानो तुम्हें थर्ड कंजम्पशन करने तुम्हें 6 यूटिल्स मिले, यूटिलिटी। फोर्थ तुम्हें कंजम्पशन के यहाँ मानो तुम्हें 4 मिला एग्जाम्पल के तौर पर, अब तो बचा नहीं अगला पिज्जा ना, तो मैं ऐड कर दूं पूरा, पहले वैसे 10, सेकेंड वाले से 8, थर्ड वाले से 6, फोर्थ वाले से 4, फॉर एग्जाम्पल इनको ऐड करते हैं। चलो तो 4 + 6 कितना हो गया, 10, 10 प्लस फर्स्ट वाले का मैटर 20, सेकेंड वाले का 8, 28। तो इस 28 को हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ इंटायर कमोडिटी। इंटायर मतलब क्या, उसके सभी यूनिट्स खाने के बाद, अब एंड में ऐड कर लो कि फर्स्ट यूनिट से मुझे कितना मिला, सेकेंड से, थर्ड से और फोर्थ से मुझे कितना मिला, जब इन चारों को हम लोग ऐड करते हैं तब इनको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। ये समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा हल्का सा। अब आते हैं मार्जिनल। तो मार्जिनल का एक बहुत ही हिंदी में एक मीनिंग होता है जस्ट अगला वाला, जस्ट अगला, सिर्फ अगला, ध्यान देना। तो जब पहला ने कंजम्पशन खत्म कर दिया, हमने कौन सा उठाया, सेकेंड वाला ना, तो सेकेंड वाले से मुझे कितना मिला, 8। जब सेकेंड मैंने खत्म किया तो अगला कौन सा आया, थर्ड वाला ना, उसे मुझे कितना मिला, 6। जब मैं थर्ड खत्म कर लिया, मैंने फोर्थ कंजम्पशन किया, मुझे फोर्थ से कितना मिला, 4 फॉर एग्जाम्पल। तो यही 8, सिर्फ 8 ध्यान देना, यही सिर्फ 6, सिर्फ 6 ध्यान देना, ये सिर्फ 4, ये 8, 6, 4, सिंगल सिंगल क्या है मेरा, मार्जिनल यूटिलिटी। जब भी हम कोई एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, यानी कि कोई अगला हम लोग यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो सिर्फ अगले वाले से मुझे कितना मिला वो मुझे बता दो। फर्स्ट मैंने कंजम्पशन किया, 10 मिला, ठीक है। जब सेकंड मैंने कंजम्पशन किया, सेकंड से मुझे कितना मिला, 8, तो 8 मेरा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी मेरा है, ठीक है। सेकेंड मैंने कंजम्पशन खत्म कर दिया, जब मैंने सिर्फ अगला, थर्ड जब मैंने कंजम्पशन किया उससे मुझे कितना मिला, 6,
तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड कितना है, सिर्फ 6। तो जैसे मैं कंजम्पशन आगे करती आती यूनिट्स का, तो अगले यूनिट से मुझे कितना मैसे वो मुझे पता, वो मेरा कितना होता है, वो मेरा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं डेफिनेशन पे आऊंगा, ध्यान देना, जब मैं चारों को ऐड कर दूं मुझे क्या मिलता है, टोटल यूटिलिटी। जब मैं सिंगल सिंगल काउंट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, सिंगल सिंगल वाइज फर्स्ट का मेरा कितना, सिर्फ सेकंड का मेरा कितना, थर्ड का मेरा कितना, उनको मैं बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सिंपल समझाया मैंने, डेफिनेशन बैक करते हैं। सो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द इंटायर अमाउंट ऑफ, हाँ हेलो बोलो, हम लोग वॉइस कॉल पे, तुम जब अपने घर से बाहर निकलो हल्का सा नेटवर्क में चले आओ, यहाँ पे कॉल पे हम लोग है ना, तो मैं भी आवाज सुन, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, फोन मेरे बाजू में एकदम मुंह के सामने फोन मेरे है। एक बार जरा बालकनी या घर से बाहर निकलो हल्का सा निकल के देखो, चेक करो, नॉर्मल चीज है। तो फोन में वॉइस देखो, ट्राई करते देखो, थोड़ा सा और 2 मिनट रुक जाओ, जो क्या पता नॉर्मल आवाज आ जाए, ठीक है। तो चले आते हैं आगे हम लोग, तो हमारे पास 2 डेफिनेशन यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तुम पूरा कंजम्पशन कर लो, तुम सभी यूनिट्स कंजम्पशन कर लो एक से लेके चारों, और चारों के सिंगल सिंगल वाले को आपस में ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करने के बाद तुम्हें पूरा कितना है वो चेक कर लो, तो 10 + 8 + 6 + 4 कितने हुए, 28। तो 28 मेरा क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी। सिंगल सिंगल काउंट करें 10, 8, 6 और 4, सिंगल सिंगल मेरे कितने हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो पढ़ते बाय डेफिनेशन जाते हैं, फिर मैं लगे तो ब्रेक डाउन कर दूंगा। सो टीयू या फिर टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द इंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, जो हमने अभी नंबरों में एक्सप्रेस किया, 10, 8, 6 और 4। इंटायर ध्यान देना, 10 + 8 + 6 + 4, द इंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू लिप से टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। दस इफ वी ईट 3 चपातीज एट डिनर, ध्यान देना, चपाती हम लोग एक कांड काउंट कर रहे हैं बिकले सिंगल, लेकिन कितने हमने चपाती काउंट, कितने पार्ट्स, 1, 2 एंड 3, समझा ना, फर्स्ट स्लाइस, सेकेंड स्लाइस, थर्ड एंड फोर्थ स्लाइस, यहाँ पे भी क्या, फर्स्ट चपाती, सेकेंड एंड थर्ड चपाती। टोटल यूटिलिटी इज टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग 3 चपातीज इन टोटल, इस वहां पे क्या 4 स्लाइसेस इन टोटल, यहाँ पे 3 स्लाइसेस इन टोटल। और ध्यान देना, फर्स्ट चपाती वाले से हाई रहेगा, सेकेंड वाले का उससे कुछ कम रहेगा, थर्ड वाले का उससे कुछ कम रहेगा हमारा, ठीक है, फैक्ट है। लेकिन टीयू हम लोग का, तीनों को एड करने के बाद ही जो अमाउंट निकलेगा हम लोग उसको टीयू बोलेंगे। अब आते हैं मार्जिनल पे, बस डेफिनेशन का था ब्रेक डाउन करना, फोकस करना। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी, कौन सा, 8, कौन सा 8 खत्म करने के बाद 6, सिर्फ 6, कौन सा 4, जो 6 खत्म करने के बाद मुझे मिला, एडिशनल मतलब अगला। सो एमयू या फिर मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 1 मोर यूनिट, ध्यान देना। उसका मतलब ही क्या, मैंने एक कंजम्पशन किया, अब मैं सेकंड वाला कंजम्पशन करने जा रहा हूँ, तो सेकंड वाला ही मेरा क्या है, 1 मोर यूनिट मेरा है, समझ में आ रहा है। सिर्फ उससे मुझे कितना मिला, 8, थर्ड मैंने किया, थर्ड मतलब क्या, ये मेरा थर्ड अगला वाला है, सेकंड की अगला वाला थर्ड मेरा है, उससे मुझे कितना मिला, 6, फोर्थ मेरा क्या है, फोर्थ थर्ड का एडिशनल है। जब हम लोग कोई एडिशनल कंजम्पशन करते हैं यूनिट्स का, सिर्फ एडिशनल के अगले वाले से मुझे कितना मिला सिर्फ वो मुझे पता, वो मेरा कितना, वो मेरा क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी मेरा हो जाएगा। फिर से डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं, सो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। थोड़ा समझ में आया होगा, मैंने बहुत स्ट्रेच किया इस टॉपिक को लेके। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉल्डिंग द मार्जिनल यूटिलिटी इज यूटिलिटी व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन द कंजम्पशन। ध्यान देना, अगर मैं पहला ही कंजम्पशन करता तो मुझे कितना मिलता यूटिलिटी, सिर्फ 10 मिलता, लेकिन मुझे 24 क्यों मिल रहा है, 28 मुझे क्यों मिल रहा है, बिकॉज हम एडिशनल कंजम्पशन करते जा रहे हैं। तो जो मुझे एडिशनल जो मुझे मिल रहा है 8, फिर 6, फिर 4, उनको हम बोलेंगे सिंगल वाइज मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मैंने एडिशनल कंजम्पशन किया, एक के बाद सेकेंड यूनिट, सेकेंड के बाद
मेरा यूनिट, थर्ड के बाद फोर्थ, तो सिर्फ अगले वाले से मुझे कितना मिला उसको हम बोलते हैं उस एडिशनल वाले का मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। दस MU of consuming the third mango is the increase in total utility as the consumption of mangoes is increased from 2 mangoes to 3 mangoes. ये समझ में आया? यहाँ टॉपिक भी हमारा है, एक मैंने सिर्फ खाया मुझे 10 ही मिला, दो खाया 18 मुझे मिल गया, तीन मैंने खाया 24 मुझे मिला, मैं पूरे के बारे में बता रहा हूँ, तीन तक पूरा, फोर्थ मैंने पूरा खाया मुझे 28 मुझे मिला। तो जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाते हैं मुझे एडिशनल का यूनिट मिलते जाता है, वो हम ऐड करते जाते हैं अपने टोटल यूटिलिटी में। आगे बढ़ते हैं। लेट द नंबर ऑफ मैंगोज कंज्यूम्ड बी इक्वल टू एन, देन द लास्ट मैंगो कंज्यूम्ड इज द nth मैंगो। यानी कि अगर मैं मान लूं चार मेरे स्लाइस हैं एक पिज्जा के, तो n मतलब क्या, चार वैल्यू हो गया, तो nth मेरा क्या हो गया, वो मेरा लास्ट यूनिट कंज्यूम करेंगे, फोर्थ यूनिट में कंजम्पशन हो गया। ठीक है, आगे मैं अभी फॉर्मूले में नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोग क्लास में जाऊंगा, फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है ये MU-nth TU-nth वाला, सिंपल ही है लेकिन अभी कॉल पर नहीं समझा सकता मैं तुम लोग, एग्जांपल देके मुझे और स्टेज करना पड़ेगा। सेम अब मैं टेबल में चले आता हूँ, पेज नंबर 21 में चले आना। तो यहाँ अजम्पशन ले लेंगे कि एक मैंगो है, या फिर यहाँ पे ना मैंगो से तुम चेंज करना एग्जाम्पल, या तुम पिज्जा ले लेना फॉर एग्जाम्पल, तुमको मोर मिलेगा, रियलिस्टिक मिलेगा, बिकॉज मैंगो तुम आ सिंगल का कमर तुम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन पिज्जा मंगा समझेंगे पिज्जा मेरा है। तो पिज्जा के मैंने क्या किया, छह मैंने स्लाइस करवा दिए, मीडियम में लास्ट पिज्जा मान लो एक बार के लिए चलो, तो पिज्जा एक ही है, मैंने उसका छह स्लाइस करवा दिए। तो दो केस ध्यान देना, पहले पिज्जा ऐसा जिसको मैंने स्लाइस नहीं करवाया, एक सिंगल बड़ा सारा चपाती की तरह बड़का सारा है, ठीक है, अब मैंने स्लाइस करवा दिए, अब बताओ क्या स्लाइस करने के बाद बढ़ गया क्या, नहीं ना, बस स्लाइस करने के बाद हम नेमिंग कर सकते हैं कि फर्स्ट से कितना मिला, सेकंड से कितना मिला, थर्ड से मुझे कितना मिला, हाइपोथेटिकेशन लेंगे। लेकिन जब तक मैं उसको डिवाइड ही ना करूं यूनिट्स में, तो पहला बाइट कहीं से भी खाएंगे ना, उससे मुझे कितना मिला हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक पिज्जे को छह स्लाइस मैंने कर दिए, तो जब हम जीरो स्लाइस कंज्यूम करते हैं तो मुझे कितना मिलता है, जीरो मिलेगा बेनिफिट, मैंने खाए तो मुझे बेनिफिट कहां से मिलेगा, तो अनडिफाइंड ध्यान देना। ठीक है, जब मैंने एक खाया, आई रिपीट, जब मैंने एक खाया तो मुझे कितने मिले, 10। मुझे पता तुम लोगों को 17 वहां दिख रहा होगा, 17 21 22, उस पे मत जाओ अभी, उस टेबल को हाथ से छुपा लो, तुम सिर्फ देखो यूनिट्स ऑफ मैंगो या पिज्जा हमारे एग्जांपल में, और तुम थर्ड टेबल को देखो, मार्जिनल यूटिलिटी को तुम सिर्फ देखो। जब मैंने एक खाया तो मुझे कितना मिला, 10। जब मैंने सेकंड खाया तो सेकंड से मुझे कितना मिला, 10 से कम ही मिलेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 7 ले लो, चलो 7 ले लो। जब मैंने थर्ड कंज्यूम किया तो मुझे कितना मिलेगा, 7 से मुझे कम ही मिलेगा, मुझे 4 मिल रहा फॉर एग्जाम्पल। जब मैंने फोर्थ खाया तो मुझे 1 मिला, ठीक है। जब मैंने फिफ्थ स्लाइस खाया 0 मिला। जब मैं सिक्स्थ खाया मुझे -3 मिला। अब फिर से मुझे यहाँ पे स्ट्रेच करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी क्यों, समझाना पड़ेगा मुझे। सेम चीज भाई ना, जब बहुत जोर से भूख लगा, जब तुम पहला बटका लेते हो, जब पहला बाइट लेते हो, बड़ा आनंद आता है, तो उसी आनंद को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूटिलिटी। तुम जरा उस आनंद को कंपेयर करो सेकेंड वाले बाइट से, तुम्हें डिफरेंस दिखेगा फॉर श्योर, है ना, फैक्ट है, दिखेगा दिखेगा, चाहे तुम चाहे मैं हूं, ठीक है। तो आनंद कम हो गया ना, तो उसी आनंद कम है तो क्या मतलब, यूटिलिटी भी कम है ना, इसलिए मैं फर्स्ट वाले को 10 दे रहा हूँ, सेकंड वाले को 7 दे रहा हूँ, बिकॉज फॉर श्योर आनंद कम हो जाता है। तुम थर्ड खाओ देखो, फिर तुमको फील होएगा कि सेकंड वाले को खाते जो मेरे को मिला था, क्या बोलते उसको, सेटिस्फैक्शन मिला था, उससे मुझे कम मिल रहा थर्ड वाले को खाते वक्त, ठीक है। अब तुम फोर्थ स्लाइस खाओ, आनंद मिलेगा, यानी कि तुम्हें आनंद जीरो मिलेगा या नहीं, मतलब कुछ आनंद मिलेगा, लेकिन वो तुम जब कंपेयर करोगे ना, वो तुम्हें फोर्थ से फिर तुम्हें कम मिलेगा, किसके लिए, तुम्हें फोर्थ, माई मिस्टेक, 4 × 1 मिला, एग्जाम्पल में चल जा रहे हैं। अब आता है फिफ्थ स्लाइस, अब फोर्थ तक तुम्हारा पेट भर चुका हुआ है, ठीक है, अभी भी क्या कहीं ना कहीं जगह बचा हुआ है, पैसे लगे क्यों फेंके भाई, तो खा लिया हमने स्लाइस को, पांचों को हमने खा लिया, लेकिन ध्यान देना पांचों को तुम नहीं भी खाती ना, तुम्हें वही फीलिंग आता जो तुम चार तक तुम जो कंजम्पशन का छोड़ दिया था, मतलब पांचवे का कोई इंपॉर्टेंस
ही तुम्हारे लिए नहीं है, तुमने बस खा लिया यूं ही। अब तुम क्या देख रही हो, पैसा लगा है, छठा स्लाइस फेंक दूं कि रख दूं? तुम आया लगा तुमने खा लिया छह स्लाइस, छठा तुमने खा लिया, अब क्या होगा? तुमको वहां मिलेगा नेगेटिव यूटिलिटी। कैसे? तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, तुम्हें उल्टी उल्टी लगेगा हल्का सा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, नेगेटिव यूटिलिटी। पहले के चार तक वाले मुझे क्या दे रहे थे, सेटिस्फेक्शन दे रहे थे, ठीक है, लेकिन चार करने के बाद कंजम्पशन, मेरा पूरा वांट फुल्ली ध्यान दे रहा, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, तो पांचवे के लिए मेरा क्या हो गया, यूटिलिटी जीरो हो गया। मैं खाऊं तो भी कुछ नहीं होगा, खाऊं ना खाऊं तो भी कुछ नहीं, तो जीरो मेरे लिए हो गया। लेकिन एक ऐसा मोमेंट भी आता हमारे कंजम्पशन के प्रोसेस में जिसको हम बोलते हैं ओवर कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा तुमसे खा लेना, उसमें क्या होता है हमारा समय को नेगेटिव मिलता है यूटिलिटी, जहां अब वो हमसे आनंद निकाल लेता है, खाने के बाद अब पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। फैक्ट बता रहा हूँ, वो नहीं कॉमन मिल रहा हूँ, ये तुम्हारा इकोनॉमिक्स में स्टडी है, इसको बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पैटर्न देख लो, फर्स्ट से मुझे कितना मिला, 10, 7, 4, 1, 0, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, फर्स्ट यूनिट से लेके लास्ट यूनिट तक। हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तुम चाहे कोई भी कंजम्पशन करो, मिलेगा मिलेगा, कुछ एक्सेप्शंस है ध्यान देना, ठीक है, इस फील्ड में कभी हम बात नहीं करेंगे उन एक्सेप्शंस के बारे में, बस समझो हम कंजम्पशन करते हैं, कंटिन्यूस कंजम्पशन करते जाए, तो जो मेरा एमयू होगा, मतलब अगले यूनिट कंजम्पशन मुझे मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी, वो पहले से क्या मुझे कम मिलेगा, कम होते होते वो ऐसा मूवमेंट आएगा जहां जीरो तो नेगेटिव हो जाता है। तो एमयू समझ में आया होगा, और मैंने बोला कि एमयू जब हम लोग सभी एमयू को ऐड कर दे एक लेवल तक, मुझे क्या मिलता है, ट्यू मिलता है। अब तुम्हारा बीच वाले टेबल पे चले आना, जब मैंने एक कंजम्पशन किया तब तक पूरा कितना था, 10 ही था मेरे लिए। जब मैंने सेकेंड यूनिट कंजम्पशन कर लिया तो सेकेंड यूनिट तक मैं अगर पूरा ऐड कर दूं, मुझे कितना मिल रहा है, 17, पहले वाले का 10, सेकेंड वाले का 7, मिला के सेकेंड वाले तक का पूरा कितना हो गया, 17। अब थर्ड वाले चरण में, तो मैं थर्ड मैंने कंजम्पशन किया, थर्ड वाले तक मुझे पूरा कितना मिला, ऐड करते हैं 10 + 7 + 4 = 21। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, जब मैंने फोर्थ कंजम्पशन किया तो मुझे कितना मिला, 10 + 7 + 4 + 1, यानी कि फोर्थ तक का पूरा मेरा कितना है, 22। जब मैंने पांचवा कंजम्पशन किया तो पांच वाले का इंपॉर्टेंट कुछ था ही नहीं मेरे लिए, बिकॉज मेरा पूरा वन सेटिस्फाई पूरा फुल्ली हो चुका था, अब वो जीरो हो गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, 22 सेम। अब मुझे छठा जब मैंने खा लिया, मुझे नेगेटिव यहाँ से मिला, तो भाई नेगेटिव तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ना, तो 22 - 3 कितना मुझे मिला, 19। ऐसे काम करता है मेरा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, तो समझ में आओगे थोड़ा थोड़ा। सो एग्जाम्पल मैं पढ़ूंगा पैराग्राफ, सपोज अ पर्सन बायस एंड कंज्यूम्स टू मैंगोज, ही एक्सपेक्ट्स टू गेट अ यूटिलिटी ऑफ 17 यूटिल्स, जो मैंने पहले बोला होता यूनिट्स, और से यूनिट्स। सपोज दिस पर्सन नाउ कंज्यूम्स 3 मैंगोज, यानी थर्ड एक और खाता है फिर, ही गेट्स अ टोटल यूटिलिटी ऑफ 21 ना, क्यों 21, बिकॉज हम पूरा ऐड करेंगे, पहले का भी, सेकेंड वाले का भी, थर्ड वाले का भी। इन आवर एग्जाम्पल द थर्ड मैंगो इज द एडिशनल मैंगो, सेकेंड वाले के बाद एडिशनल कौन था, थर्ड वाला मेरा। द टोटल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ दिस मैंगो इंक्रीजेस बाय 4 यूटिल्स, 21 - 17 इक्वल्स टू मेरा 4, या फिर सिंगल सिंगल भी काउंट कर लो। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है एमयू और टीयू का, मैं तो कभी क्लास में डिस्कस करूंगा, बहुत सिंपल चीज है बस, लेकिन प्रैक्टिकल मुझे वहां पे होना पड़ेगा। सिमिलरली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फोर्थ मैंगो इज 1, बाय टेबल देख के समझ जाओ। अभी के लिए 5 मैंगो प्रोवाइड द सेम यूटिलिटी, सेम अमाउंट ऑफ टोटल यूटिलिटी 20 यूटिल्स एज प्रोवाइडेड बाय 4 मैंगोज ना। कभी कभी एक मूवमेंट हमारे कंजम्पशन में आता है कि 4 भी खाए तो भी पेट भर गया, 5 खाए तो 5 कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कहाँ गया पता नहीं चला। तो कहते हैं कि जो हमको खाए कुछ बेनिफिट ना समझ में आए, उसको बोलते हैं उसमें मेरे लिए जीरो यूटिलिटी था। आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट मैंगो इज 5th मैंगो सॉरी इज 0, द टोटल यूटिलिटी ऑफ 6th मैंगो इज लेस देन द टीयू ऑफ 5 मैंगोस, क्यों, बिकॉज 6th वाले का नेगेटिव था मेरे लिए, ठीक है। दिस डिक्रीज इन टोटल यूटिलिटी मींस दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज अ नेगेटिव वैल्यू 6th वाले का,
as utility decreases from 20 utils to 19 utils, mu of sixth mango equals to minus 3. जो टेबल में मैंने बोला वहीं पे लिखा हुआ है इंग्लिश में. When mu is negative, we say that a good provides disutility. मतलब छठा पिज्जा खा के मेरे को अनपच हो गया, फॉर एग्जाम्पल. तो अनपच क्या है मेरे लिए? नेगेटिव यूटिलिटी. और जब पांच तक में खाया था, मैंने चार खाया, मैंने तीन तक खाया, वो मेरे लिए क्या था? मजा था. फॉर एग्जाम्पल में क्या हो गया? यूटिलिटी मेरे हो गया. तो मेरे कॉमन सेंस जो इकोनॉमिक्स बिहेवियर साइंस है, ह्यूमन साइंस है, आसान से समझते हैं. अब तुम्हें तुमने एक पैटर्न फॉलो किया होगा एम यू वाले टेबल में, 10, 7, 4, 1 ऐसे करते करते नेगेटिव डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है. तो इसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला लॉ को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, ये फैक्ट एक है, कॉमन सा चीज है. अगर किसी को मानो कि पसंद हो तुम्हारा क्या बोलते हैं गुलगप्पा फॉर एग्जाम्पल, सुबह खिलाओ, दोपहर भी खिलाओ, शाम को भी खिलाओ, पूरे हफ्ते गुलगप्पे खिलाओ, उसके बाद क्या होगा? अगले एक हफ्ते के बाद वो बंदा खाएगा ही नहीं. तो यहाँ पे तुमने क्या देखा? पसंद तो खाया था कोई चीज, लेकिन जब उसने उसको कंटिन्यूस कंजम्पशन किया तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसका इंटरेस्ट बोले तो उस चीज में खत्म होते चला गया. ठीक है, अब उसके लिए जीरो हो गया, तो उसके आगे वो कंजम्पशन करेगा ही नहीं. क्या समझ में आ रहा है? अब किसी को डेयरी मिल्क पसंद हो, उसको सुबह ब्रेकफास्ट में भी सेम डेयरी मिल्क दो, खाने के लिए खा गया, पूरा अच्छा बड़ा मजा आएगा, डेयरी मिल्क खाने को अच्छा लगता था उसको, आफ्टरनून में लंच में भी तुम सेम डेयरी मिल्क खाने के लिए. अब वो खाएगा लेकिन उतने मजे से नहीं खाया था तो ब्रेकफास्ट में खाया था, खा तो लेगा फॉर श्योर. अब शाम को फिर से वही दोस्त को डेयरी मिल्क खाने के लिए, क्या पता अभी भी वो खा ही ले, लेकिन जो मजा उसको सुबह आया होगा या फिर कंपेयर उसको दोपहर में आया होगा, अब उससे बहुत ही कम उसको मजा आ रहा होगा शाम में. अब रात में दोस्त को फिर से खाने के लिए फेंक देगा. क्यों? अब उसका यूटिलिटी जीरो हो गया. तो ये फैक्ट, ये चीज सब में लागू होता है, सब में होता है इम्प्लीमेंट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का. जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाते हैं तो अगले यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी पहले वाले के मुकाबले कम होते जाता है, एक टाइम पे जीरो आता है, एक टाइम पे नेगेटिव आ जाता है. तो हम लोग कॉमन चीजें जीरो तक कंजम्पशन करते हैं, लेकिन जहां नेगेटिव मुंह चलाएगा हम कंजम्पशन नहीं करते हैं या फिर छोड़ देते हैं. तो इसका ना बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान देना. कभी कभी मैंने क्लास में एग्जाम्पल तुम लोग को नहीं दिया था, इन लोग को दिया था मैंने जो मेरे घर थे. फॉर एग्जाम्पल सोचो कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुमको पता है कि मीडियम वाले पिज्जे में तुम्हारे 6 स्लाइस मिलते हैं, लेकिन 5 तक तुम्हारा पेट भर जाता है, छठा खड़े पे तुम्हारा क्या होता है? अनपच हो जाता है. तुम जब तुम स्टडी कर लोगे कि नहीं, इतना बड़ा जब मैं हर जब मैं देखा, मैं लास्ट टाइम मैंने खाया था 5 तक तो ठीक था, लेकिन छठा फेंका, या तो फेंक दो या तो खा लो. खाने से क्या होता है? पेट खराब, या फेंकने से पैसे बर्बाद. तुमने स्टडी किया अपने लेवल पर, नेक्स्ट टाइम तुम क्या करोगे कि उससे छोटा वाला पिज्जा ऑर्डर करोगे जहाँ पे 4 मिले या 5 मिले फॉर एग्जाम्पल, या फिर तुम किसी को साथ में लेके जाओगे जो कंजम्पशन कर ले. तो इकोनॉमिक्स में हम लोग बिजनेस में भी यही चीज करते हैं, देखते हैं कि कंज्यूमर लोग जो होते हैं किस लेवल तक उनका TU या फिर उनका MU, बाय मिस्टेक MU लेके चलो, वो हाइएस्ट होता है. उसके आगे हम कंज्यूमर को ऑफर ही नहीं करेंगे, उसके आगे कंज्यूमर को ऑफर ही नहीं करेंगे. बिकॉज अगर कंज्यूमर समझ जाएगा कि मीडियम वाला पिज्जा जो होता है हम अकेले नहीं खा पाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम तो पिज्जा में खाने के लिए ही नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास तो मीडियम तक की लास्ट ऑप्शन अवेलेबल है. लेकिन अगर मैंने स्टडी कर लिया कि 6 स्लाइस नहीं खा पाता, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कर खा नहीं पाता है, 5 खाता लेकिन 5 में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन 4 तक वो खा के खुश रहता है, तो अब मैं क्या करूंगा? साइज स्मॉल कर दूंगा, पैसे कम कर दूंगा, और मैं रेगुलर लॉन्च कर दूंगा. अब जो पहला बार जो खाएगा जो कंज्यूमर जाके पिज्जा मीडियम वाला, सोचे कि 200 मैंने पे किया लेकिन 6 मुझे मिले, उसने स्टडी कर लिया, नेक्स्ट टाइम अगर वो स्टडी कर लिया कि हाँ इससे छोटा भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो वापस से वो स्टोर में जाएगा. लेकिन सेकंड केस मानो उससे छोटा अवेलेबल ही नहीं होता, तो क्या होता? वो कस्टमर दोबारा स्टोर में जाता ही नहीं, बिकॉज कस्टमर पता है मिलेंगे 6, एक तो या तो फेंक दो या तो 5 कंजम्पशन, या तो पैसे मतलब या तो फेंक दो तो पैसे वेस्ट जाएंगे तुम्हारे. तो इस मोमेंट इस चीज का इंपॉर्टेंस बहुत होता है कस्टमर की साइकोलॉजी को समझने के लिए. कस्टमर से कंज्यूम्स करते हैं, तो किस लेवल तक कंज्यूमर का MU जीरो पहुंचता, किस पॉइंट के बाद नेगेटिव हो जाता है? तो नेगेटिव तक ही एक प्रोड्यूसर उनको ऑफर करेगा गिवन प्राइस में,
उसके बाद ऑफर नहीं करेगा, बिकॉज उसके लिए तुम्हारा क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मनी भी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स भी, ध्यान देना इसका, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंस है। मैं पढ़ूंगा, चलो कोई नहीं, डीएमयू पढ़ता हूँ। डीएमयू, इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट्स या फिर एमयू गोज ऑन डिक्रीजिंग। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 2.1, वो नेगेटिव 3 वाला, उसके पहले 0 वाला, मतलब अगर देखो 10, 7, 4, 1, 0 माइनस 3 वाला। The MU from each successive या फिर additional mango consumed goes on decreasing. 10 से 7, 7 से 4, 4 से 1 से 0, फिर negative 3. For example, MU यानी कि marginal utility obtained from the consumption of third mango is 4 utils, while the consumption of second mango gives the MU of 7 utils. This tendency of decrease in MU with additional successive increase in consumption of a commodity is known as the law of diminishing marginal utility. मैं फिर से रिपीट कर दूं, अभी के लिए तुम लोग सिर्फ समझो चीजों को, पूरा थ्योरी को, ठीक है? लर्न नहीं करना है, नहीं समझ में दोबारा बोल दोबारा समझाएंगे, लेकिन लर्न अभी नहीं करना है, ठीक है? होप समझ में आओगे तुम लोग को थोड़ा। ये टॉपिक ना था थोड़ा सा डिफिकल्ट कह लो चलो, या फिर कर तो ट्रिकी, कि हमने ऐसे जिसके बारे में बात किया जो हम लोग फील तो किए आज तक, कभी गॉड नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है? तो हमारा तक क्या यूटिलिटी, मतलब जब हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो फॉर श्योर क्या हमारे लिए या हमको उसमें दिखता है बेनिफिट या कह लो यूटिलिटी, ठीक है? जब हमको दिखना बंद हो जाएगा हम कंजम्पशन या परचेस चीज का करेंगे ही नहीं, समझ में आ रहा है? दो चीजों पर नहीं करते, या तो उसमें यूटिलिटी हमारे लिए जीरो है या तो उसमें नेगेटिव है, दोनों केस में क्या वहां तक उस लेवल तक रुक जाते हैं। हमारा अगला है प्रोडक्शन। सोचो कितना अच्छा इकोनॉमिक्स है ना, लाइन से पूरा दिया, पहला वांट जिससे क्या पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी ही चलता है, लेकिन हमारा कंजम्पशन जिस प्रोसेस से वो वांट सेटिस्फाई होता है। अगला मेरा क्या यूटिलिटी, कंजम्पशन में क्या करते हैं एक पावर करते हैं उस कमोडिटी का यूटिलिटी, कितना अच्छा प्यारा दिया। अगला कॉन्सेप्ट हमारा प्रोडक्शन, इस प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम उस यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं, समझ में आ रहा है, बनाते हैं। कैसे, तुमने पिज्जा क्या ऐसे बना लोगे, नहीं ना, डो आएगा या फ्लोर तुम्हारा आएगा, उसको लगाओगे पर प्रोसेस चीज वगैरह वगैरह बना, अब वो खाने काम आया। ब्रेड फॉर एग्जांपल, व्हीट डैट खा लोगे, नहीं ना, होगा प्रोसेस, फ्लोर बनेगा, चपाती बनेगा, फिर खाओगे। तो प्रोडक्शन क्या है, मतलब प्रोसेस जिसमें तुम्हारा यूटिलिटी क्रिएट होता है, या प्रोडक्शन में तुम्हारा क्या होता है यूटिलिटी का क्रिएशन होता है, समझ में आ रहा है? लाइन से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, वांट कंजम्पशन यूटिलिटी, अब हमारे सामने प्रोडक्शन, ठीक है? तो क्या हम लोग कह सकते हैं कॉमन सेंस अभी के लिए कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग या फिर ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, हाँ कह सकते हैं, बिकॉज ही फैक्ट है कि प्रोडक्शन में और कुछ नहीं होता, सिर्फ चीजों में यूटिलिटी डाला जाता है ताकि उसमें यूटिलिटी आए, उसका कंजम्पशन हो, उससे वांट सेटिस्फाई हो जाए। अब पढ़ते हैं वहां पे पैराग्राफ। सो एज स्टेटेड अबव, गुड्स एंड सर्विसेज आर नीडेड टू सेटिस्फाई पीपल्स वांट, देयरफॉर गुड्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब यूटिलिटी हैज टू बी क्रिएटेड। द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तुम लोग ये डेफिनेशन नहीं लिखोगे, ये बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स में इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बस समझने के लिए तुमको दिया हुआ है। द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन, नहीं, ठीक है? ऊपर ऊपर है, अगर कोई नॉन कॉमर्स का बच्चा बोलेगा सही है, हम कॉमर्स के बच्चे हैं, हम लोग नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो इन एवरीडे स्पीच प्रोडक्शन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, इन द सेंस प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स समथिंग द फिजिकल कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू टेंजिबल गुड्स, ठीक है? ये हम लोग पढ़ी रहे हैं अभी तुम्हारा इसमें कॉमर्स में पढ़ी रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इन दिस सेंस, मैंने पढ़ दिया लाइन शायद, हाँ, फॉर एग्जांपल, इन अ कॉटन टेक्सटाइल मिल क्लॉथ इज प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक यार्न, केमिकल्स एक्सेट्रा। तो जो कॉटन टेक्सटाइल हमारा इंडस्ट्री है, जो हमने बना क्लॉथ बन के मेरे हाथों में आया, सबसे पहले वो क्या होगा, एक कॉटन होगा ना, रुई, क्या रुई को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं पहनने में, नहीं ना, तो रुई से
क्लॉथ का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो उस क्लॉथ में धीरे धीरे अंडर डिफरेंट प्रोसेस अंडर डिफरेंट वे से डाला गया क्या यूटिलिटी, अब हम उनको यूज कर रहे हैं। तो अगर समर्थन यूटिलिटी हम यूज भी नहीं करते, इन द पास्ट इवन सम इकोनॉमिस्ट डिफाइंड प्रोडक्शन इन दिस सेंस, जो कि बहुत ही कॉमन सेंस कह लो। दस अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ प्रोडक्शन मीन्स द क्रिएशन ऑफ मटीरियल और टेंजिबल गुड्स। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बिकॉज हमको पता है कि एडम स्मिथ बहुत ओल्ड था ना, फिर मार्शल आया, फिर रॉबिन्स आया, फिर पॉल सिमुलसन आया, तो उन्होंने प्रोडक्शन को और अच्छे से डिफाइन किया और लॉजिकल वे में डिफाइन किया। दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब समझना मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऊपर नहीं लिखने के लिए ऊपर डेफिनेशन। लेटर इकोनॉमिस्ट्स रिजेक्टेड दिस रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल कॉन्सेप्ट डेफिनेशन, ऊपर वाला उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सो एट प्रेजेंट द टर्म प्रोडक्शन इज यूज्ड इन अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेंस। इन द वाइडर सेंस प्रोडक्शन मीन्स द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देखो जो मैंने बोला आ गया ना, तो हम लोग इस डेफिनेशन को लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एच स्मिथ प्रोडक्शन द प्रोसेस दैट क्रिएट्स यूटिलिटी इन गुड्स, एनी एक्टिविटी दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट यूजफुल इज कॉल्ड प्रोडक्शन। देन हम इस डेफिनेशन को लिखेंगे, ये मोर लॉजिकल डेफिनेशन तुम्हारा है। सो प्रोडक्शन इन दिस सेंस इंक्लूड्स नॉट ओनली मटेरियल गुड्स बट ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस सर्विसेस, सच एज सर्विसेज ऑफ लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स, हेयर ड्रेसर्स, म्यूजिशियंस एक्सेट्रा। सिंस बोथ टेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेस प्रोवाइड यूटिलिटी, सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई पीपल्स वॉन्ट इन सेम वे एज द गुड्स डू। मैंने वहां नहीं पढ़ा था हमने कि बुक सेटिस्फाई नॉलेज, टीचर भी क्या करता है एक नॉलेज के वॉन्ट को क्या सेटिस्फाई करता है। तो टीचर एक प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन किन चीजों का, सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा है, और इन्हीं सर्विस के प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉमर्स में टर्शरी इंडस्ट्री। ध्यान देना, ना कि कॉमर्स में एग्जाम्पल रॉन्ग दिया है, ठीक है मैं चेंज करा दूंगा अपना एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर रिगार्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, सिंस प्रोडक्शन इज नॉट कंप्लीट अंटिल द गुड्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड हैव एक्चुअली रीच्ड द कंज्यूमर। यहाँ भी एक अलग सेंस में बात किया गया है, लेकिन इकोनॉमिक्स भी सही है, लेकिन ये चीज ध्यान देना ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट सही नहीं है कॉमर्स वाले वर्ल्ड में। ठीक है, तो मुझे पता है कंफ्यूजन तुम लोगों को हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब अलग है, कॉमर्स का मतलब तुम्हारा अलग होता है। आगे बढ़ता हूँ मैं। दिस प्रोडक्शन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ एडिंग यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट, जो मैं अभी तक बोलते आए। सो यूटिलिटी कैन बी एडेड टू एन ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग वेज। अब ध्यान देना, आज जो तुम लोग को मैंने जो क्वेश्चन भेजा है उसमें मैंने कॉमर्स में लिखा है कि व्हाट डू मीन बाय फॉर्म यूटिलिटी, तो हम लोग यहाँ पे वही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्म का मतलब ही क्या होता है, ध्यान देना, हमने आयरन ओर से क्या बनाया, आयरन, हमने आयरन से क्या बनाया बर्तने, तो हमने चीजों का में कोई बेसिक या केमिकल चेंज नहीं किया, हमने क्या चेंज किया, उसका फॉर्म चेंज कर दिया। पहले वो आयरन ओर था, अब उसमें मैंने आयरन लाया, अब आयरन से मैंने आयरन के बर्तन मैंने बनाए, तो मैंने उसी मटेरियल का फॉर्म चेंज करके उसको यूजेबल फॉर्म में लाके दे दिया तुम लोगों को। समझ में आ रहा है, जहां पढ़ते हैं, फॉर्म यूटिलिटी इज वन ऑफ द वेज बाय विच यूटिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड, इट इन्वॉल्व चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। आयरन ओर से आयरन के बर्तन है हमारे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कारपेंटर मेक्स अ टेबल फ्रॉम अ पीस ऑफ वुड, तो वुड को मैंने किस में चेंज कर दिया, चेयर टेबल में चेंज कर दिया, तो यहाँ मैंने फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट किया उस पर्टिकुलर थिंग में। सो बाय चेंजिंग द शेप ऑफ वुड ही इज मेकिंग द वुड मोर यूजफुल, कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इंटू कॉटन क्लॉथ, कन्वर्टिंग आयरन इंटू मशीन एक्सेट्रा आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। समझ में आ गया थोड़ा। आगे आता है प्लेस। प्लेस मतलब वही कि मानो हर चीज जहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है ना, अगर वहां यूज नहीं करना, कहीं और यूज करना है, तो वहां से वो सामान मतलब प्लेस ऑफ सरप्लस से या प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन कैसे जाए। तो जो चीज जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो ऐसा करते हैं, वो लोग कौन सा क्रिएट करते हैं, उसमें क्या डालते हैं यूटिलिटी, उसे प्लेस यूटिलिटी डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बुक है जो कलकत्ते में पब्लिश हो रहा है, हमको जमशेदपुर में चाहिए, जब तक वो आएगा नहीं यहाँ पे, वो मेरे लिए क्या है, यूजफुल नहीं है, तो उनको लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसको यहाँ पे लाने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसमें प्लेस यूटिलिटी डाल दिया।
So utility can also be increased by transferring goods from one place to another. For example, transferring goods from the factory या फिर तुम्हारा place of production to retail shop creates place utility. Then आगे आते हैं time तुम्हारी utilities का मतलब क्या होता है कि मैंने आज production कर दिया मुझे एक साल के बाद उसको use करना है ठीक है तो मुझे यहाँ पे time factor matter करता है अभी उनको use नहीं करना है उसमें कौन सा दिक्कत है उसमें time का दिक्कत है तो मैं उसमें कौन डाला कि हाँ आज प्रोडक्शन कर लो उसको हम एक महीने या एक साल के बाद यूज करेंगे तो उसमें अभी है यूटिलिटी नहीं ना उसे मैं एक साल के बाद करूंगा यूज तो उसमें कौन सा डाल दिया टाइम यूटिलिटी ठीक है फार्मर्स करते हैं प्रोडक्शन वेजिटेबल्स का फ्रूट्स का एक्स्ट्रा कर लेते हैं प्रोडक्शन तो उनको जाकर कहाँ रखते हैं वेयर हाउस में या तुम्हारा कोल्ड स्टोरेज में तो कोल्ड स्टोरेज वाले ने क्या किया टाइम यूटिलिटी पुट कर दिया उन सब चीजों में So time utility is created when goods are made available at time when they are needed. Abhi nahi, ek saal ke baad. By holding stocks of goods until they are required, time utility is created. ठीक है? अब आते हैं service time utility. ये हमारे commerce में लोग कहते हैं, हमारे commerce मतलब subject में लोग कहते हैं commerce बोलते हैं. ठीक है? So service utility results from the provision of personal services by the individuals such as doctors. टीचर्स इंजीनियर्स ट्रांसपोर्टर्स बैंकर्स रिटेलर्स ठीक है मैं तुम्हें कभी एक सेशन लूंगा सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर क्यों हर जगह टीचर्स इंजीनियर्स को साथ में ले रहा है कभी अलग अलग ले रहा है मैं तुम्हें को डीप जाके ना समझाऊँ क्रिटिकलिटी किसका चाहिए चीज है ठीक है आगे बढ़ते हैं दस प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट थ्रू फॉर्म प्लेस टाइम सर्विस यूटिलिटी सो एनीवन हु हेल्प्स टू मेक गुड्स एंड सर्विस is called a producer. क्या समझ में आओगा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अब चले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ध्यान देना तो यहाँ पे दो चीजें हैं कोई बच्चे बोलते हैं कि मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल क्या है उसको भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही बोलता है लेकिन वो बच्चा रॉन्ग होता है ठीक है या फिर जिस चीजों में हम डाल रहे हैं यूटिलिटी चाहे फॉर्म प्लेस कुछ भी हो जाए आप एग्जाम्पल दे वुड का तो कार्पेंटर ने वुड से क्या बनाया एक वुडन चेयर बनाया तो रिपीट फिर से बोल रहा हूँ कार्पेंटर ने वुड में क्या डाल दिया फॉर्म यूटिलिटी और उससे क्या बना दिया चेयर बना दिया ठीक है यहां तक क्लियर है लेकिन टॉपिक हमारा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कार्पेंटर ने क्या क्या चीजें यूज करके आई रिपीट फिर से कार्पेंटर ने क्या क्या चीजें यूज करके उस वुड को टेबल बना दिया उन चीजों को बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना कि वुड को वुड में क्या करते हैं फॉर्म चेंज करते हैं तो जिस भी रॉ मटेरियल का या फिर बेसिक इनपुट का हम फॉर्म चेंज करते हैं वो मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता बल्कि जिन चीजों को हम लोग यूज करके उस चीज को हम चेंज करते हैं वो चीजें मेरी क्या होती हैं मेरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है मुझे पता है कंफ्यूज हो गए फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल तुमको देता हूँ क्या वुड मानो तो वुड मेरे क्या एक रॉ मटेरियल है उसको अलग रखो कारपेंटर है ना इन्वॉल्व करने में उसका ह्यूमन क्या बोलते हैं उसको ह्यूमन पावर इस पे इन्वॉल्व है तो कारपेंटर खुद एक फैक्टर प्रोडक्शन है कारपेंटर ने कुछ मशीन यूज किया होगा थोड़ा सा वो मशीन क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कारपेंटर ने फॉर एग्जांपल कहीं बैठकर किया होगा काम अपने घर पे अपने आंगन में जिस लैंड पे नहीं उसने बैठा था वो लैंड तुम्हारा क्या है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो जो भी चीज हम यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स नहीं ध्यान देना बाकी चीजें जिनको यूज करके हम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं किसी प्रोडक्ट में उन चीजों को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में चार बोला गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड कोई भी प्रोडक्शन हवा में नहीं हो सकता लेबर ह्यूमन टच के बिना कोई भी तुम्हारा यूटिलिटी क्रिएट नहीं हो सकता प्रोडक्शन नहीं सकता लेबर थर्ड बिना पैसों के या इकोनॉमिक क्या बोलते हैं उसको एक्सचेंज वैल्यू के बिना कुछ काम नहीं हो सकता उसको हम बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं सो इन इकोनॉमिक्स कैपिटल का मतलब होता है पैसे भी और पैसों से खरीदे जाने वाले मशीन को बोलो कैपिटल ही बोलते हैं ठीक है थर्ड फोर्थ मेरा होता है एंटरप्रेन्योरशिप मैं नेमिंग कर दूं पहला लैंड अगला लेबर अगला मेरा कैपिटल और फोर्थ मेरा एंटरप्रेन्योरशिप ठीक है तो एंटरप्रेन्योरशिप और लेबर में ना इकोनॉमिक्स लोगों के बीच में कंफ्यूजन थोड़ा सा है ठीक है लेबर भी तुम्हारा क्या ह्यूमन ही जो काम करता है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्रेन्योर दो चीजों को अरेंज करता है कुछ इकोनॉमिक्स लेबर और एंटरप्रेन्योर को एक मानते हैं कुछ इकोनॉमिक्स उनको अलग अलग मानते हैं लेकिन हम
दोनों को अलग अलग ही मानेंगे, लेबर अलग जो सिर्फ अपना लेबर देगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर उसका काम रहेगा बाकी के तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करना, लाना, उनको एक बेटर कॉम्बिनेशन में इंप्लॉय करना जो लेबर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो एंटरप्रेन्योर का यही काम है कि वो बाकी तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लाता है एक पर्टिकुलर रेशियो में, अरेंज कर ताकि मेरा क्या जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो ऑप्टिमम लेवल पर हो सके। तो इसलिए जो होता है कि लेबर और एंटरप्रेन्योर अलग अलग मेरे काउंट होते हैं। ठीक है, तो मैं रिपीट कर दूं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार मेरे होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने कहीं भी रॉ मटेरियल का नाम नहीं लिया, वो मेरा फैक्टर प्रोडक्शन नहीं होता। फैक्टर्स प्रोडक्शन के अलावा चार मेरे मेनली हमारे होते हैं। ठीक है, अब पढ़ूंगा। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो अकॉर्डिंग टू लिप्से, रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज दे आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ना कि रॉ मटेरियल, ध्यान देना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर समटाइम्स कॉल्ड इनपुट्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजुअली क्लासिफाइड बाय इकोनॉमिक्स इन फोर मेन ग्रुप्स, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्रेन्योर। चलो, सो लैंड एंड इकोनॉमिक्स इज यूज्ड नॉट इन द सेंस ऑफ सॉइल बट इज रादर यूज्ड इन वाइडर सेंस। लैंड एज इकोनॉमिस्ट्स यूज द टर्म इंक्लूड्स ऑल दोस फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर सच एज लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा विच आर कॉमनली कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेबर, लेबर इज अ ह्यूमन एफर्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इन एवरीडे कॉमन प्रैक्टिस लेबर रेफर्स टू द वर्क डन बाय मैनुअल वर्कर्स लाइक एग्रीकल्चर लेबर, फैक्ट्री वर्कर्स। बट इन इकोनॉमिक्स लेबर रेफर्स टू नॉट ओनली वर्क डन बाय मैनुअल वर्कर्स लाइक एग्रीकल्चर and industrial workers, but also the mental work done by the office clerks, teachers, doctors, ballet dancer, etc. ठीक है, तो लेबर मतलब समझना मत कि वो जो खाता कूली वगैरह वो नहीं, बल्कि जो मेंटल वर्क भी कर रहे हैं ऑफिस वाले भी, उनको भी लेबर ही बोलते हैं। अब आते हमारे कैपिटल में। सो कैपिटल इज डिफाइंड एज द मैन मेड और प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्टिंग ऑफ सच थिंग्स एज मशीनरी, या तो पैसे बोलो, या तो पैसे, या तो पैसों से लिए जाने वाली चीजें को हम कैपिटल बोलते हैं। एज मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड फैक्ट्री बिल्डिंग्स विच आर यूज्ड इन फ्यूचर प्रोडक्शन, दैट इज इन मेकिंग अदर गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट टू पॉइंट्स हियर। फर्स्ट, कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स लाइक मनी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ नेचर। सेकेंड, कैपिटल इज यूज्ड एज अ रिसोर्स टू प्रोड्यूस अदर यूजफुल गुड्स और सर्विसेज। हम इसी पैसे को यूज करके लैंड भी खरीदते हैं, इसी पैसे को यूज करके हम मशीन्स भी परचेस करते हैं, इसी पैसे को हम यूज करके लेबर भी हायर करते हैं। दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ इनपुट यूज इन प्रोडक्शन। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ध्यान देना। क्यों मैंने बोला लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या लोगों को बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सेम है, कुछ बोलते हैं अलग अलग, इसे यहाँ पे स्पेशल बोला गया। स्पेशल क्यों? बाकी किसी फैक्टर में ये स्किल नहीं है कि बाकी फैक्टर्स को क्या करे, एक पर्टिकुलर रेशियो में अरेंज करे ताकि मेरा आउटपुट क्या हो, मुझे मैक्सिमम मुझे दे। सो एन एंटरप्रेन्योर इज द वन हु ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। ध्यान देना, ऑर्गेनाइज वर्ड का बहुत अच्छा मीनिंग होता है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या? अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, एक इस रेशियो में सभी चीजों को लगाना कि मैक्सिमम क्या मेरा आउटपुट हो जाए, जो हर किसी के बस का बात नहीं, नॉर्मल बस का बात नहीं है। सो एन एंटरप्रेन्योर इज द वन who organizes production, takes important decisions regarding production and bears the risk and uncertainty involved in the production. क्या एक लेबर ऐसा करता है? नहीं, लेकिन वो भी ह्यूमन है, एंटरप्रेन्योर भी क्या ह्यूमन ही है। तो ह्यूमन ग्राउंड पे कह सकते कि हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में तुम्हारा लेबर का पार्ट ही होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर लेबर से मोर थिंग्स रिक्वायर्ड करता है। पहला क्या, वो ऑर्गेनाइज करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को। सेकेंड क्या, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग डिसीजंस लेता है, क्या प्रोडक्शन करना है, क्या नहीं करना है, कितने क्वांटिटी में करना है, कौन सा टेक्निक यूज करना है। वो थर्ड, वो रिस्क बियर करता है प्रोडक्शन प्रोसेस का। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ न्यू फर्म इज सेटअप समवन मस्ट ऑर्गेनाइज द न्यू फर्म, अरेंज फाइनेंस, हायर एम्प्लॉयज,
and undertake risks. That person is an entrepreneur. He also takes responsibility of introducing new products and new techniques. Without an entrepreneur, no business organization can operate. Clearly, entrepreneur is the core of free enterprise economy. The reward for the service of the entrepreneur is profit. लोग पता हमने कॉमन से पढ़ लिए चीज़, ठीक है? तो हमने यहाँ तक पढ़ा प्रोडक्शन फैक्टर प्रोडक्शन के बारे में. टॉपिक हमारा आगे भी है, तो आगे टॉपिक को हम लोग अगले टॉपिक में अगले मतलब क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? अब मैं कोई कॉल काटना मत, वन बाई वन पूछ लो, किसी को डाउट है क्या? पहले लड़की से स्टार्ट करते हैं. खुशबू डाउट है? पक्का श्योर? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तनीषा डाउट है? ठीक है, अच्छा बात है. तो कौन बच्चा? मलिका डाउट है? अब कौन? अंकिता डाउट है? ना गया. ठीक है, चलो गुड बाय. तुम लोग बाय काट लो तुम्हें कॉल, ठीक है? कल मॉर्निंग मिलते हैं अकाउंट्स के लिए वहां पे. बाय. हाँ, मुझे पता दो कोरोना केस मिला है वहां पे, मुझे पता है. आगे बोलो. अच्छा हाँ, मैं भूल ही गया. ठीक है, टाइम मैनेज कर लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे, मैं चेक कर लूंगा. ठीक है, टाइम तो आगे पीछे कर लेंगे. चलो बाय. अब लड़कों के पास आते हैं. हजांग डाउट है कहीं पे? यूटिलिटी, कंजम्पशन, प्रोडक्शन? नहीं? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. हिमांशु डाउट मुझे बोलो.